अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। लेट्स कम टू द लेसन। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 23। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी वर रीडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड एंड इन दिस चैप्टर वी हैव रेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड एंड द लैंड रूट्स। वी हैव रेड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया and Central Asia, and we have also started Southwest Asia. In this topic we have read about the country of Afghanistan. Today we will start from Iran. Iran was called Persia until the 1930s. 1930 tak Iran jo hai wo Persia kehlata tha, Fars. In the ancient times, कदीम ज़माने में, इट वॉज़ अ ग्रेट वर्ल्ड एम्पायर। ये एक दुनिया की अजीम सल्तनत थी, रियासत थी। साइरस द ग्रेट, डेरियस एंड नौशेरवान खुसरो वर सम ऑफ इट्स मोस्ट फेमस एम्परर्स। और उस वक्त में जब ये अजीम रियासत थी, सल्तनत थी, इस वक्त साइरस द ग्रेट, जिन्हें हम सिकंदर आजम भी कहते हैं, डेरियस, नौशेरवान, ये बहुत मशहूर हुक्मरान थे उस वक्त के। द अरब्स कॉन्कर्ड इट ड्यूरिंग द डेज ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिकेम मुस्लिम। और फिर अरबों ने इसको, ईरान को फतह कर लिया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, दूसरे जो खलीफा थे हमारे उनके ज़माने में, और ज़्यादातर जो आबादी थी वहाँ की वो मुसलमान हो गई। इन द 1920s किंग रजा शाह स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग द कंट्री। 1920 में जो बादशाह थे यहाँ के, रजा शाह, उन्होंने इस मुल्क को जो है वो मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया, जदीद दौर, यूरोपियन तहजीब को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। बट ही वॉज फोर्स टू लीव द थ्रोन वेन हिज रिफॉर्म्स बिकेम अनपॉपुलर। लेकिन जब इनकी ये इस्लाहात जो हैं वो पसंद नहीं आई लोगों को, लोगों ने पसंद नहीं किया इनको, तो इन्हें फिर फोर्स किया गया कि वो अपना जो बादशाहत है उससे हट जाएं। His son ruled for many years, फिर उनके बेटे ने कई साल हुक्मरानी की, हुकूमत की, but was finally expelled by the religious leader Imam Khomeini, who introduced an Islamic government in 1979. रजा शाह के बेटे ने बादशाहत संभाली और उसने कई साल हुकूमत की, लेकिन उसको भी फाइनली आखिरकार एक्सपेल कर दिया गया, उतार दिया गया बादशाहत से। किसने? एक जो लीडर थे, मजहबी लीडर थे, इमाम खुमैनी, उन्होंने उसको हटा दिया, क्योंकि उन्होंने जो है वो, जैसा कि हमने पढ़ा कि रजा शाह, उन्होंने भी मॉडर्नाइज करना शुरू किया कंट्री को, उनके बेटे ने भी तकरीबन फॉलो किया, लेकिन जो मजहबी ज़हनियत रखने वाले लीडर थे इमाम खुमैनी, उन्होंने इस चीज़ को पसंद नहीं किया और उन्होंने दोबारा से मजहबी रियासत जो है वो कायम की 1979 में। द कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान। ईरान का जो दारुलहुकूमत है वो तेहरान है। द ऑफिशियल लैंग्वेज इज पर्शियन, और जो सरकारी जबान है वो पर्शियन है, फारसी है, विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज इन द ओल्ड डेज। और ये वो जबान है जो पुराने जमाने में, कदीम जमाने में, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, बैनुल अक्वामी जबान समझी जाती थी। टुडे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ईरान आर पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस। आज के दौर में भी जो ईरान के सबसे अहम कुदरती वसाइल हैं वो पेट्रोलियम है, ऑयल है और नेचुरल गैस है, कुदरती गैस। द पॉपुलेशन ऑफ ईरान इज अप्रॉक्सीमेटली 77 मिलियन, तकरीबन 77 मिलियन आबादी है ईरान की, मोस्ट ऑफ विच इज मुस्लिम, और उनमें से ज्यादातर जो हैं वो मुसलमान हैं। ईरान इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ इट्स होली प्लेसेज सच एज द टॉम्स ऑफ इमाम रजा इन मशहद। ये ईरान जो है वो अपने लिहाज से बहुत अहम है, लेकिन ख़ास तौर पे जो उसकी अट्रैक्शन की वजह है, उस तवज्जो का मरकज है, वो वहाँ की जो होली प्लेसेस हैं, मुकद्दस मकामात हैं, जैसे कि मकबरा है इमाम रजा का मशहद में, वेयर द फेमस कैलिफ हारून और रशीद इज़ आल्सो बरेड। और मशहद में ही जो मशहूर खलीफा थे हारून और रशीद, वो भी वहीं पर मदफून है, उन्हें दफन किया गया है वहाँ पर। एंड हिज सिस्टर फातिमा मासूमा इन कुम, और जो कुम शहर है वहाँ पर
इमाम रजा की जो बहन है फातिमा मासूमा उनका मजार भी है कुम में, एज वेल एज इट्स ब्यूटीफुल नेचर एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। और इसके साथ साथ यानी होली प्लेसेस तो हैं वहाँ पे उसकी तवज्जो का मरकज, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की खूबसूरत कुदरती मनाजिर भी और उसके साथ साथ जो तारीखी मकामात हैं उनकी वजह से भी ये ईरान जो कंट्री है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत मशहूर है। नेक्स्ट वन इज टर्की। टर्की वॉज द सेंटर ऑफ द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर which ruled over parts of Asia, Europe and Africa in the 16th and 17th centuries. टर्की जो है तुर्की ये एक मरकज था ग्रेट ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया का, एक अजीम सल्तनत जिसे कहते हैं मुसलमान तुर्क मुसलमानों की एक बेहतरीन और अजीम सल्तनत कायम रही। और कहाँ कहाँ पे ये तीन बड़े बर आजमों में एशिया यूरोप और अफ्रीका तीन बर आजम कंट्री नहीं तीन बर आजमों पर ऑटोमन अम्पायर थी हुकूमत रही तुर्क मुसलमानों की 16वीं और 17वीं सदी में। अगर आप लोग लेटेस्ट इन दिनों में देख रहे हो मौजूदा दौर में अर्तगल गाजी शुरू हुआ है ड्रामा तुर्की का, तो वो हिस्ट्री है ऑटोमन अम्पायर से पहले जब एक स्टार्ट लिया गया था ये कबीला है अभी इस वक्त तक तो अर्तगल गाजी का जो खाना बदोश कबीला है और मुसलमान ये अभी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं में जो अर्तगल हैं और ये इनकी जद्दोजहद और एफर्ट और फिर इनके बेटे उस्मान से जब सल्तनत शुरू होगी तो वो ऑटोमन अम्पायर सल्तनत उस्मानिया उनसे शुरू होगी और उसके बाद इन्होंने 600 साल तक ये तीन बड़े बर्रे आजमों पर हुकूमत की। लेटर बाद में विद द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर सल्तनत के खत्म होने तक या कमजोर होने पर मोस्ट ऑफ द कॉन्कर्ड लैंड रीगेन्ड देयर फ्रीडम जितनी भी जमीनें थीं जो फतह की गई थी इन तुर्क उस्मान सल्तनत उस्मानिया के दौर में उन्होंने अपने अपनी जो है वो सल्तनतों में आज़ादी हासिल कर ली अपनी रियासतों में। एंड एट वन टाइम टर्की इट्सेल्फ वाज थ्रेटन्ड बाय यूरोपियन पावर्स और एक वक्त ऐसा भी आया कि तुर्की जो एक मुल्क है बजाते खुद उसको भी यूरोपियन पावर्स का यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनका खतरा था कि वो उस पर भी कब्जा कर लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा सेव्ड एट इन्हीं में से जो तुर्क फौज थी उनके एक सिपा सलार थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा उन्होंने स्टैंड लिया लीड किया अपनी फौज को इकट्ठा किया और अपने इस मुल्क को सेव किया बचाया एंड डिक्लेयर्ड इट अ रिपब्लिक इन 1923 और फिर अपने मुल्क को जो है ये बादशाहत से निजात दिलाकर एक अवामी जमहूरी मुल्क के तौर पर डिक्लेयर कर दिया 1923 में। He was strongly influenced by modern ideas and declared Turkey a secular state. ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासिर थे जदीद निज़ाम से जदीद ख्यालात और तसव्वुरात से इसीलिए उन्होंने इस तुर्की को जो है वो सेक्युलर स्टेट रियासत सेक्युलर रियासत के तौर पर डिक्लेयर किया। सेक्युलर रियासत क्या होती है? A state where religion does not influence politics. वो रियासत जहाँ पर सियासत में मजहब का दखल नहीं होता शरीयत दीन ये जो है वो इनफरादी तौर पे लोग उस पर अमल कर सकते हैं अगर कोई फर्द चाहे अपने मजहब को पूरी तरह फॉलो करे, लेकिन हुकूमत में सियासत में मजहब का कोई दखल नहीं होता ऐसी रियासत को सेक्युलर स्टेट कहते हैं। एंड इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू कॉन्सेप्ट और इन्होंने ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने नए नए जो नज़रियात हैं वो मुतारफ कराए। He was called Atatürk, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क कहा जाता था अतातुर्क और द फादर ऑफ द टर्किश नेशन। अतातुर्क का मतलब ही यही है फादर ऑफ द टर्किश नेशन तुर्की कौम का जो बाप है वालिद है वो नाम दिया गया अतातुर्क इनको क्योंकि ये वो वक्त था जब यूरोपियन कंट्रीज से यूरोपियन पावर्स से सेव किया उन्होंने अपने मुल्क को बचाया अपनी कौम को बचाया तो लोगों ने उन्हें फिर अतातुर्क का नाम दिया फादर ऑफ द टर्किश नेशन। द कैपिटल ऑफ टर्की इज अनकरा। तुर्की का कैपिटल दारुल हुकूमत अनकरा है। इट्स पॉपुलेशन इज ओवर 73 मिलियन। इसकी आबादी 73 मिलियन है ऑलमोस्ट 99% ऑफ विच इज मुस्लिम और जिनमें से तकरीबन 99% जो है वो सब मुसलमान है सिर्फ 1% जो है वो अकलियतें हैं माइनॉरिटीज हैं। सम क्रिश्चियंस एंड ज्यूज ऑल्सो लिव इन दिस कंट्री। कुछ ईसाई और यहूदी भी इस मुल्क में रहते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज इज टर्किश और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज सरकारी जबान है वो
तुर्किश है। द कंट्री इज मेनली एग्रीकल्चर, ये वैसे बुनियादी तौर पे तो एक ज़रई मुल्क है, ज़रात बेहतरीन और बहुत ज़्यादा होती है, बट ऑल्सो प्रोड्यूस इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अहम मादनियात भी यहाँ पर मिलती हैं। द थर्ड वन इज सऊदी अरेबिया। अरेबिया वॉज द सेंटर ऑफ अ वास्ट एम्पायर सून आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। अरेबिया जो है ये एक वसी सल्तनत वसी रियासत बन गई किस वक्त, इस्लाम की आमद के बाद, जो ही इस्लाम आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, और फिर आपने जिस तरह से तबलीग की और फिर उसके बाद आपके सहाबा कराम ने जिस तरह इस्लाम को फैलाना शुरू किया, तो फिर वो एक वसी रियासत बन गई। इन दोज डेज द अरब्स रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एशिया एंड यूरोप। ये वो वक्त था जब अरब जो हैं वो हुकूमत करते थे एशिया अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों बड़े बड़े आज़म हैं, यहाँ तक मुसलमान फैल चुके थे, अरब फैल चुके थे। अरेबिक बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ दोज डेज। उन दिनों अरबी ज़बान जो है वो सबसे अहम बैनुल अक्वामी ज़बान थी, इसलिए कि तीन जो बड़े बड़े आज़म हैं एशिया अफ्रीका यूरोप, यहाँ तक वो मुसलमान अरब मुसलमान फैले हुए थे, अरबों की हुकूमत थी, तो लिहाजा जिनकी हुकूमत थी उन्हीं की लैंग्वेज जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी और वही जो है वो बैनुल अक्वामी ज़बान समझी जाएगी। द कंट्री टेक्स इट्स प्रेजेंट नेम सऊदी फ्रॉम द डायनेस्टी दैट फर्स्ट स्टार्टेड रूलिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड इन द 15th सेंचुरी। ये नाम जो मुल्क का दिया गया है सऊदी, सऊदी अरेबिया, सऊदी, ये नाम मिला है किस तरह से, जो पहली रियासत कायम हुई एक छोटे हिस्से पर हुकूमत कायम की थी किस 15वीं सदी में, किसने, इन 1932 द किंग अब्दुल अजीज अ पावरफुल लीडर ऑफ द सऊदी फैमिली कॉन्कर्ड द होल कंट्री एंड रीनेम्ड इट आफ्टर हिज फैमिली। तो एक सऊदी खानदान जो था उनके एक बड़े ही ताकतवर हुक्मरान थे, बादशाह थे, किंग अब्दुल अजीज, इनका पूरा नाम है किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद, सऊद इनका फैमिली नेम है, और इन्होंने जब इस पूरे मुल्क को फतह कर लिया तो उसके बाद इस मुल्क का नाम वो अपने ख़ानदानी नाम यानी सऊदी पे रखा और इसका नाम रख दिया सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये पहली रियासत, जब यहाँ पे एक छोटी रियासत में इनकी हुकूमत थी इस ख़ानदान की, लेकिन इन्होंने जब किंग अब्दुल अजीज़ ने अपने छोटे इलाके पर जो हुकूमत थी वहाँ पर रहते हुए पूरे मुल्क को फतह किया, तो जब पूरे मुल्क को फतह कर लिया तो इस मुल्क का नाम जो है वो अपनी फैमिली नेम पर रख दिया, वो था सऊदी अरेबिया। रियाद बिकेम द कैपिटल सिटी, शहर जो रियाज है वो बन गया दारुल हुकूमत सऊदी अरब का। सऊदी अरेबिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को और मोनार्की होती है बादशाहत, यानी ऐसा मुल्क है जो आइनी बादशाहत है यहाँ पर, यानी कानून भी हैं, उसूल और कानून का एक सेट है, मजमुआ है, आइन को फॉलो करते हैं, लेकिन बादशाहत अभी तक मौजूद है, बादशाह शहजादे एक बादशाह के बाद दूसरे जो शहजादे हैं वो संभाल लेते हैं, वो जो जमहूरियत है डेमोक्रेसी है वो यहाँ नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, आइनी बादशाहत है। इट हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड सिंस 1938, और ये 1938 से पेट्रोलियम पैदा करने वाला जो है वो सबसे बड़ा मुल्कों में शामिल है, सबसे बड़े जो पेट्रोलियम पैदा करने वाले मुमालिक हैं उनमें से एक ये भी है। When an American firm started drilling oil in collaboration with the Saudi government, 1938 में जब एक अमेरिकन फर्म ने, अमेरिका की एक कंपनी थी, उसने ड्रिल करना शुरू किया सऊदी हुकूमत के साथ मिलके ऑयल को निकालने के लिए, ये काम शुरू किया, और फ्रॉम 1974 द सऊदी गवर्नमेंट स्टार्टेड कंट्रोलिंग ऑल इट्स पेट्रोलियम बिजनेस, और 1974 से इन्होंने पेट्रोलियम का बिजनेस पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट करने का सिस्टम है वो यहाँ पर शुरू हो गया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन इज़ ओवर 27 मिलियन, और इस मुल्क की जो कुल आबादी है वो 27 मिलियन है, ऑल ऑफ विच इज़ मुस्लिम, और तकरीबन सब के सब जो है मुसलमान हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ अरेबिक, और सरकारी जबान अरबी है। इन द इस्लामिक वर्ल्ड द कंट्री हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस ड्यू टू द सेक्रेड सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना। इस मुल्क की पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ख़ास अहमियत है, उसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है, वो है इट्स सेक्रेट सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना, यहाँ के जो मुकद्दस शहर हैं मक्का और मदीना। आपको मालूम है बैतुल्ला है,
और मस्जिद नबवी है मक्का और मदीना जो मुकद्दस शहर हैं यहाँ के, इसकी वजह से इस पूरी दुनिया में इस मुल्क की अहमियत सबसे अलग है। ओके, साउथ वेस्ट एशिया के मुस्लिम कंट्रीज अभी हमने पढ़ ली हैं, अफगानिस्तान पहले पढ़ा था, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, ये हमने अभी कर लिया है। इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हवाले से कुछ डिटेल यहाँ बताइए पेज 23 पर राइट टॉप से देखें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं OICO, स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और I स्टैंड्स फॉर इस्लामिक एंड C स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। In 1969, the leaders of the Muslim world decided to form an organization to promote solidarity. The organization of the Islamic Conference OIC meets every 3 years. 1969 में मुस्लिम दुनिया के जो लीडर्स थे, रहनुमा थे, उन्होंने डिसाइड किया टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम बनाएं टू प्रमोट सॉलिडेरिटी, जो कि तरक्की देगी सॉलिडेरिटी को, यकजहती को, इतिहाद, यानी जो मुस्लिम दुनिया है वो आपस में मुत्तहिद हो जाए, जुड़ जाएं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC मीट्स एवरी 3 ईयर, और इस तंजीम के जो मेंबर्स हैं वो हर 3 साल बाद मुलाकात करते हैं। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिवेलप इकोनॉमिक, और इनके मकासद क्या होते हैं, टू डिवेलप इकोनॉमिक के मईशत को तरक्की दें, सोशल, माशरती, कल्चरल, सकाफती एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन, और सियासी ताउन, यानी कि अपने मुल्कों की, मुस्लिम मुल्क की, ममालिक की मईशत को, माशरत को, सकाफत को और साइंसी एतबार से भी ताउन करें एक दूसरे के साथ और तरक्की दें। बिटवीन द इस्लामिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तमाम दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके दरमियान इन चीज़ों को फ़रोग देना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान, मुस्लिम मिनॉरिटीज, अफ्रीकन लिबरेशन मूवमेंट एंड ह्यूमन राइट्स आर अमंग द मेन इश्यूज ऑन द OIC एजेंडा, और इसके साथ साथ फलस्तीन, अफगानिस्तान, मुस्लिम अकलियतें, जो दीगर और मुस्लिम ममालिक हैं जहां पर मुसलमानों की मुस्लिम ममालिक नहीं भी हैं, हुकूमत गैर मुस्लिमों की है लेकिन वहां मुस्लिम अकलियतें हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं, उनको फोकस करना, अफ्रीकन लिबरेशन मूवमेंट और जो अफ्रीकी तहरीक आज़ादी है, इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स जो हैं वो भी इनके मेन इश्यूज़ हैं OIC के एजेंडा में, यानी जब ये मीटिंग्स होती हैं तो जो मेन, जिस मकसद के लिए ये तंजीम बनी थी उसके साथ साथ ये जो ममालिक हैं इनके लिए, मुस्लिम मिनॉरिटीज़ के लिए, पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान, यहाँ जो इश्यूज़ हैं उन सबको देखने के लिए वो भी इसके एजेंडा में शामिल हैं। इट ऑल्सो एम्स टू फॉर्म एन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, और इनका एक और मकसद है कि इस्लामी तरक्याती बैंक बनाए थ्रू विच द रिचर इस्लामिक कंट्रीज कुड ऑफर लोन्स टू द पुअरर वंस, जिसके जरिए जो है वो जो अमीर तरीन मुस्लिम ममालिक हैं वो गरीब मुस्लिम मुल्कों को, ममालिक को लोन दें, कर्जे दें ताकि वो अपनी मईशत बेहतर करें। एंड अ कॉमन मार्केट फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, और एक ये भी मकसद है कि मुस्लिम ममालिक की एक अलग जो है वो मार्किट बन जाए। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द OIC आर इन जद्दा, सऊदी अरेबिया, और जो हेडक्वार्टर है, मेन मरकज है OIC का, वो जद्दा है, सऊदी अरेबिया का शहर जद्दा। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो मैं आपको होम टास्क के लिए दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज OIC स्टैंड फॉर एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। OIC जो है